हेलो एंड वेलकम टू द एस्ट्रोलॉजी मार्किंग फर्स्ट ईयर वीडियोस। इंशाल्लाह इसमें भी जो प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करेंगे। इसमें आपको बताता चलूँ कि ये खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इतना लाइटर नहीं लीजिएगा। जो पास्ट पेपर में उसमें मोस्टली होता है कि क्वेश्चन मिस होते हैं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन गैदर किए हैं मोस्टली आपको मैंने बताया हुआ है कि जी कॉलेज के जो सेंडअप्स होते हैं पूरे पंजाब में ओवरऑल, उनके एक एक सेंडअप को मैंने देखा है, देन आपका ये क्वेश्चन मैं अरेंज किए हुए हैं, ठीक है जी, ताकि कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपका मिस ना हो और एक्स्ट्रा भी हमें ना करना पड़े। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कैसे आता है। पहले आता है आपका डिफरेंस बिटवीन द कार्डियक स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। ये आपको ड्रा भी करने आने चाहिए। कार्डियक मसल मोस्टली आपकी लॉन्ग स्लाइड में पड़ा होता है और आपके प्रॉफ में भी आ जाता है, तो आपको ये भी आता होना चाहिए। देन व्हाट इज़ द टी सिस्टम इन स्केलेटल मसल्स, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें, यू जस्ट पूछ लेते हैं ना यार, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कहाँ पे है। सो आपने ये जो डिफरेंस है ये आपने खुद बनाना है। एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं भी एक शेयर कर दूंगा, अगर वो पसंद आए तो वो लाजमी आप यूज़ कीजिएगा, लेकिन आपको बनाना है। ये डायग्राम आपको बहुत काम देगी स्पेशली फिजियो में, ठीक है। ये आप अपनी बुक्स पे मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है जी। टी सिस्टम की बात की जाए तो ये रहा टी सिस्टम आपका, ये आपने यहाँ से कवर कर लेना है, यहाँ से एक बार रीड कर लेना है, लेकिन फिजियोलॉजी कर लें तो बेस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी लॉन्ग रेड एंड स्लो ट्विचेस एंड फास्ट ट्विचेस, एग्जांपल आनी चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और इनके डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। यहाँ पे शायद वो अवेलेबल नहीं है तो आपने इसको थ्रू नेट देख लेना है, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। देन है जी टाइप्स ऑफ द मसल्स अकॉर्डिंग टू नर्व सप्लाई, मल्टी यूनिटरी एंड यूनिटरी, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए क्वेश्चन। ये भी शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एक बार देख लेते हैं हम। हाँ मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप देख लें, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि एक बुक पे आप यूजेस एमबीबीएस में स्पेसिफिक नहीं रह सकते, डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो मल्टी यूनिटरी और यूनिटरी ये मेरे ख्याल में आपको फिरदौस पे भी अवेलेबल होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। टी सिस्टम यहाँ से कर लें, कार्डियोस्केलेटल सिस्टम आपको अगर ये चलना है तो ये ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूँगा हिस्टोलॉजी का और जो आपका फिजियोलॉजी का डिफरेंस होता है तो ये चीज़ आपने देखनी है। एक बार याद रखिएगा, अगर वहाँ पे आया वर्ड माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस तो आपने माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस पे ही लिखना है, ना कि उसके एक्शन पे, ठीक है। अगर आए क्वेश्चन ओवरऑल डिफरेंस का तो आप माइक्रोस्कोपिक भी लिख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, तो ये वर्डिंग थोड़ी सी आपने ख्याल करनी होती है। इस तरह फास्ट ट्विचेस और स्लो ट्विचेस में को हम रेड और वाइट ट्विचेस मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली ये यूज़ करता है कि लॉन्ग रनिंग के लिए, एक सिनेरियो आया हुआ था कि सिनेरियो कुछ इस तरह से आया हुआ था कि एक एक सब्जेक्ट है वो लॉन्ग रनिंग कर रहा है, ठीक है जी, लॉन्ग रनिंग कर रहा है और कुछ देर पर फटीक भी होती है, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो लॉन्ग रनिंग कर रहा है इसमें कौन सा मसल यूज़ होगा, ठीक है। और एक जगह पे ये भी सिनेरियो आया हुआ था कि अब्रप्ट मूवमेंट हुई है, लाइक स्पॉट आप बैठे हुए थे, कुछ चीज़ गिरी है आपके ऊपर, आपने बचने के लिए यकदम खड़े हुए, तो अब्रप्ट मूवमेंट में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, ये आपकी असाइनमेंट रही, आपने ये लाजमी करना है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नर्वस टिश्यू की, अगेन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन करना तो है ना, रिस्क नहीं लेते, तो स्टे ट्यून्ड।